वॉशिंग पाउडर भाजपा, यह चमत्कार पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल कर सकता है। कि मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ से भ्रष्टाचारी डालो, दूसरी तरफ से साफ सुथरा नेता निकालो। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कुछ यही हाल है। लेकिन काले को सफेद करते करते भाजपा खुद ही अपने जाल में फंस गई, जब उसने शुभेंदु के पार्टी में शामिल होते ही YouTube से उसका पुराना वीडियो डिलीट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। नारद न्यूज ने यह स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC के कई नेता किसी व्यक्ति से अलग अलग जगहों पर पैसे लेते दिख रहे थे। कहा गया कि ये सभी TMC नेता सामने वाली पार्टी को लाभ पहुंचाने के बदले घूस ले रहे हैं। BJP ने भी यह वीडियो अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया था और बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार और TMC पार्टी कितनी भ्रष्ट है। उस स्टिंग में फीचर हुए थे दो नेता, दोनों समय के साथ भाजपा में आ गए। समय किसी तीसरे बंदे का नाम नहीं है, हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो एक नेता मुकुल रॉय तो पहले ही पार्टी में आ चुके थे भाजपा में, और शुभेंदु अधिकारी ने भी 19 दिसंबर को BJP ज्वाइन कर ली। इन दोनों के भाजपा ज्वाइन करते ही भाजपा ने पहला काम किया कि अपने YouTube चैनल से इनका स्टिंग वाला वीडियो हटा दिया। अब आप पूछेंगे, कौन है ये शुभेंदु? TMC के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने और भ्रष्टाचार और अन्य अपराध के मामलों में लिप्त TMC नेता है, जिन्होंने अमित शाह के दौरे के दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा ने 2016 में यह वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में भाजपा में शामिल हो चुके मुकुल रॉय समेत कुछ अन्य TMC नेता भी किसी व्यक्ति से अलग अलग जगहों पर पैसे लेते दिखे थे। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचारी और आरोपी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही साफ सुथरे और दोष मुक्त हो जाते हैं? वैसे हम बात भी किस पार्टी के कर रहे हैं? उस भारतीय जनता पार्टी की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल रखी है कि आरोप में लिप्त नेताओं और मंत्रियों का आजीवन चुनाव लड़ना सुप्रीम कोर्ट बैन ना करे। इनका तो इतिहास रहा है आरोपियों को और ताकत देना। वाह मोदी जी वाह।